नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कार्यालय के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन मीडिया कर्मियों के साथ किया गया। आपको बता दें कि मानव वन्यजीव संघर्ष के विषय पर कार्यशाला में चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला में मौजूद वन्यजीव विशेषज्ञों ने स्थानीय समुदायों की भागीदारी और संरक्षण गतिविधियों से ग्रामीणों और वन्य जीवों के बदलते व्यवहार पर विस्तृत जानकारी मीडिया के साथ साझा की। इसी के साथ ही पार्क के निर्देशक ने इस कार्यशाला में मीडिया को एक अहम हिस्सा बताते हुए कहा कि जन जागरूकता और उपयुक्त प्रचार प्रसार में मीडिया की अहम सहभागिता होती है, जो मानव जीव संघर्ष की स्थिति में जन चेतना और मानव व्यवहार पर मंथन करती है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट लैंडस्केप में वन मित्र और बाघ मित्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसे आगे ले जाने में हमें मदद मिलेगी, जिससे मानव वन्य जीव संघर्ष प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें हम ग्रामीणों के बीच जाकर बाघ मित्र की सोच को लेकर ग्रामीणों के साथ समन्वय बैठाकर इन संघर्षों को रोकने के प्रयास किए जाएंगे। देखिए, मानव वन्यजीव संघर्ष के संबंध में एक कार्यशाला आज कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई और ये एक मीडिया वर्कशॉप के रूप में आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बंधु जो मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं उनको आमंत्रित किया गया था। हमारा प्रयास ये था कि इस वर्कशॉप के माध्यम से जो मानव वन्यजीव संघर्ष से जुड़ी हुई भ्रांतियां हैं उनसे भी हम अवगत कराएं और साथ ही साथ जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और जन सहयोग की बात हम लोग करते हैं, किस प्रकार से उसको हम प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़े, इस बारे में भी चर्चा की गई। ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप थी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स, बॉम्बे से भी एक्सपर्ट्स हमने आमंत्रित किए थे, जिन्होंने ऑनलाइन इस कार्यशाला में प्रतिभाग किया और अपने अनुभव शेयर किए। बहुत अच्छा इस कार्यशाला का से टेक अवे पॉइंट्स हम लोगों ने लिए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जो वन मित्र और बाघ मित्र का कॉन्सेप्ट इस कॉर्बेट लैंडस्केप में हम लोग शुरू करने वाले हैं, उसमें इसको आगे ले जाने में उसमें मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ हमारा प्रयास ये भी है कि जो कम्युनिटीज या जो लोग जो गाँव फ्रिंज फॉरेस्ट एरिया से जुड़े हुए हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, उन गांवों तक हम लोग किस प्रकार से पहुंचे, लोगों तक किस प्रकार से पहुंचे और कैसे अपने व्यवहार में अमूलचूल परिवर्तन करके मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम किया जा सकता है, इस पर इसका एक अच्छा उदाहरण हम लोग प्रस्तुत कर पाए, इस तरफ हमारा प्रयास रहेगा। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।